स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। लास्ट पीरियड में हमने देखा कुछ बेसिक डिफेक्ट्स, जैसे पॉइंट डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, ये हमने देखा। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, फिर देखेंगे शूटकी डिफेक्ट क्या होता है। शूटकी डिफेक्ट में डिस्कस करेंगे इन विच टाइप ऑफ सॉलिड शूटकी डिफेक्ट टेक्स प्लस, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द शूटकी डिफेक्ट, मतलब दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शूटकी डिफेक्ट, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिंग शूटकी डिफेक्ट, मतलब किस प्रकार के सॉलिड में शूटकी डिफेक्ट होगा ये देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे फ्रिंकल डिफेक्ट। तो फ्रिंकल डिफेक्ट इज क्रिएट इन विच टाइप ऑफ सॉलिड, किस प्रकार के सॉलिड में फ्रिंकल डिफेक्ट होता है, फ्रिंकल डिफेक्ट क्या है, व्हाट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द फ्रिंकल डिफेक्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पीरियड में। तो आई होप अब तक जितने भी पीरियड्स हमने इस सॉलिड स्टेट पे किए हैं अटेंड, कि जो भी वीडियो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं सॉलिड स्टेट पे, तो वो सब वीडियो आपने इंजॉय किया। इसी तरह से ये भी वीडियो आप इंजॉय करेंगे, डिफेक्ट्स को समझ जाएंगे। तो आज तक जब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आसानी से हम आप तक पहुंच सके और हमारे साथ केमिस्ट्री आप पढ़ सके। जो भी आपकी ईएम्स है, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे जेई है, नीट है, सीटी है या स्टेट बोर्ड है, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं जब हमारे साथ रहेंगे तब। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और जितना हो सके उतना घर में बैठ के पढ़ाई जारी रखो। तो शुरू करते हैं आज के पीरियड को। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स देखेंगे। उसमें फर्स्ट है डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। अब स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड मतलब क्या, क्या मीनिंग होता है स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड का। तो जैसे NaCl है, NaCl रेशियो क्या है, Na प्लस Cl माइनस का रेशियो क्या है, 1:1, ये है स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। Mg, आप सोचेंगे कि एक कैटायन और एक एनायन मतलब स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड, नहीं। दूसरा एग्जांपल लेंगे MgCl2, तो इसमें कैटायन कितने हैं, कैटायन 1 है, एनायन कितने हैं, एनायन 2 है, तो ये भी स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड है। अब आप सोचेंगे कि 1:1 है या 1:2 है तो उसको हम स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड बोलेंगे, नहीं। AlCl3 तीसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें कैटायन कितने हैं, कैटायन 1 है, एनायन कितने हैं, एनायन 3 है, तो रेशियो क्या है, 1:3। मतलब स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल मतलब क्या, स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स एज देयर रेशियो इन देयर मॉलिक्यूल। उनके मॉलिक्यूल में जो भी उनका रेशियो है उसी के अनुसार आयंस थ्रू आउट द क्रिस्टल है, उसको हम कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। जैसे NaCl लिया हमने थ्रू आउट द क्रिस्टल, तो पूरे NaCl में फॉर एग्जांपल एक मोल Na प्लस है, एक मोल Cl माइनस है, तो रेशियो क्या हुआ, 1:1 हुआ, तो उसको कहेंगे हम स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। मतलब उसके मॉलिक्यूल में जो भी रेशियो है, मॉलिक्यूल में 1:1 है मॉलिक्यूल में, तो जिसके मॉलिक्यूल में जो भी रेशियो है वही रेशियो थ्रू आउट द क्रिस्टल अगर वो सॉलिड फॉलो करता है तो दैट सॉलिड इज कॉल्ड एज द स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। So the ratio in the molecule, that ratio is obeys throughout the crystal, that solid is called as the stoichiometric solid। वैसे समझो कि Na plus 100 है लेकिन Cl minus 99 है, तो वो स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड नहीं है क्योंकि वो रेशियो फॉलो नहीं कर रहा है 1:1। 100:99 ये 1:1 नहीं होता है, 1:0 होगा, तो वो स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड नहीं होगा। जैसे MgCl2 है, तो अगर Mg समझो 100 है तो Cl कितने होने चाहिए, 200। तो अगर Mg 2 प्लस 100 है तो Cl माइनस 200 है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो 1:1 होगा, इसको कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। तो अब हम देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड में डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। सो डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट इन द स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। तो स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड आप समझ गए कि उसका मॉलिक्यूल में जो भी रेशियो है वही रेशियो वो फॉलो करता है थ्रू आउट द क्रिस्टल।
तो उसी के मल्टीप्लिकेशन में कैटायंस की संख्या और एनायंस की संख्या. सो नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस थ्रू आउट द क्रिस्टल इज अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द स्टोइचोमेट्रिक सॉलिड. अब ये सोचेंगे आपके पॉइंट डिफेक्ट अगर होगा, पॉइंट डिफेक्ट मतलब मिसिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मिसिंग ऑफ आयंस. तो अगर पॉइंट डिफेक्ट होगा, आयंस मिस होगा, ध्यान में रखना है आपको, अगर आयंस मिस होगा तो स्टोइचोमेट्री तो गायब होगी. समझो 100 Na प्लस है, 100 Cl माइनस है, और 100 Na प्लस है, 100 में अगर एक Na प्लस गायब होता है तो बचते हैं 99 Na प्लस और 100 Cl माइनस. तो आप ये सोचेंगे कि यहां पे तो स्टोइचोमेट्री फॉलो नहीं होगी. ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन द स्टोइचोमेट्री. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लिख के लेते हैं. क्या है पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टोइचोमेट्री. पॉइंट डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टोइचोमेट्री, मतलब ये जो भी रेशियो है उस रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा पॉइंट डिफेक्ट. इसका मतलब क्लियर है, मीनिंग क्लियर है. मीनिंग क्या क्लियर है? डिफेक्ट होगा लेकिन जितने कैटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे, क्योंकि स्टोइचोमेट्री उसको मेंटेन करना है. स्टोइचोमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्टोइचोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है. जो भी रेशियो है उस रेशियो को फॉलो किया जाता है, अगर डिफेक्ट है भी नहीं भी है इन स्टोइचोमेट्रिक सॉलिड्स. तो अगर डिफेक्ट भी तैयार होता है, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस भी मिस होता है, तो जितने कैटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे, एंड ड्यू टू दैट इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टोइचोमेट्री. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट इन पॉइंट डिफेक्ट और ड्यू टू द पॉइंट डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टोइचोमेट्री. सो स्टोइचोमेट्री रिमेंस सेम इन दैट सॉलिड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. फर्स्ट देखेंगे, अब डिस्कस डिटेल में करेंगे टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. वन इज द शूट की डिफेक्ट, वन और फर्स्ट इज द शूट की डिफेक्ट. फर्स्ट डिफेक्ट दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइचोमेट्रिक सॉलिड. अब हम पॉइंट डिफेक्ट समझ गए हैं, डिफेक्ट इन पॉइंट्स, मिसिंग ऑफ पॉइंट्स और एडिशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड, मतलब रेशियो विच इज इन मॉलिक्यूल ऑल्सो थ्रू आउट द क्रिस्टल इज फॉलोड, दैट इज कॉल्ड एज द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो. सो व्हाट इज द शूट की डिफेक्ट? अब हम देखेंगे शूट की डिफेक्ट क्या होता है. तो इस फिगर को देखो आप, इस पिक्चर को देखो आप समझ पाएंगे कि शूट की डिफेक्ट क्या होता है. सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे आइडियल क्रिस्टल. अब हमें पता है कि ये आइडियल क्यों है. आइडियल क्यों है ये? क्योंकि फिर से एक बार ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, अरेंजमेंट रेगुलर. समझो ए प्लस की जगह आप कंसिडर करो यानी ए प्लस, और बी माइनस की जगह कंसिडर करो सी एल माइनस. तो थ्रू आउट द क्रिस्टल यानी ए प्लस सी एल माइनस, यानी ए प्लस सी एल माइनस, अरेंजमेंट है रेगुलर. देर इज नो एनी मिसिंग, नो एनी एडिशन ऑफ आयन, सो देर इज नो एनी डिफेक्ट. सो दिस इज द आइडियल क्रिस्टल. ये आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है. अब नेक्स्ट फिगर को, नेक्स्ट पिक्चर को दिखाएंगे आपको. तो इस फिगर, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्लियरली इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. अब शुरुआत में देखेंगे तो ये प्लस है, बी माइनस है, ये प्लस है, बी माइनस है, ये प्लस है, बी माइनस है, लेकिन एक आपको ब्लू सर्कल दिखाई देगा, एक आपको रेड सर्कल दिखाई देगा, जो आप तुरंत समझ पाएंगे, तुरंत जान जाएंगे. इसलिए हमने उसको थोड़ा सा डार्क किया है, एमटी भी दिखा सकते थे. तो डार्क क्यों किया है? क्योंकि वहां से कुछ मिस है. क्या मिस है वहां से? अगर ध्यान से देखेंगे या वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ए प्लस मिस है, एक बी माइनस मिस है. तो यहां पे समझने के लिए एक एक ही दिखाया, कई सारे मिस ही हो सकते हैं, क्रिस्टल में से कई सारे आयंस मिस हो सकते हैं. तो यहां पे दिखाई दिया है हमने समझने के लिए एक कैटायन मिस है, एक एनायन मिस है. तो मिसिंग हुआ ना, सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द शूट की डिफेक्ट.
अब आप समझ गए होंगे कि ये डिफेक्ट किस प्रकार का डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कटाय, मिसिंग ऑफ अडाय, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द शूटकी डिफेक्ट। ठीक है, अब शूटकी डिफेक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कटाय। अब सोचना है आपको कि जितने कटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे, नंबर ऑफ कटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस आर सेम फ्रॉम द मिसिंग देयर पोजीशन। तो जितने कटायन मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे, उस डिफेक्ट को कहेंगे शूटकी डिफेक्ट। अब जो भी कैटायंस, जो भी एनायंस मिस हुए हैं, उसकी जगह पे और कोई आयन नहीं है, मतलब वो स्पेस रिमेंस एज द एम्प्टी स्पेस, रिमेंस एज द वैकेंट स्पेस। तो वो स्पेस क्या दिखाई दे रहा है आपको, उस स्पेस में वो स्पेस वैकेंट है। तो शूटकी डिफेक्ट इज आल्सो वैकेंसी डिफेक्ट। तो शूटकी डिफेक्ट क्या है, शूटकी डिफेक्ट एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट है। क्यों वैकेंसी है, क्या हो रहा है शूटकी डिफेक्ट में, फिर से एक बार, कटायंस मिस हो रहे हैं, अनायंस मिस हो रहे हैं। अब जहां से कटायन मिस होंगे उसका स्पेस एम्प्टी है, जहां से अनायंस मिस होंगे उसका भी स्पेस एम्प्टी है, तो इट क्रिएट अ वैकेंसी, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द वैकेंसी डिफेक्ट। एंड दिस टाइप ऑफ, ये स्टाइचियोमेट्रिक सॉलिड का डिफेक्ट है ना, वैकेंसी डिफेक्ट तो जनरल कंसेप्ट है। अब जब यही डिफेक्ट पॉइंट की वजह से होता है, लैटिस पॉइंट्स की वजह से, यही डिफेक्ट स्टाइचियोमेट्रिक सॉलिड में होता है, तो हम इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, हम इस डिफेक्ट को कहेंगे शूटकी डिफेक्ट। तो शूटकी डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी ही डिफेक्ट है लेकिन स्टाइचियोमेट्रिक सॉलिड में है, इसलिए हम इसको शूटकी, शूटकी मतलब नाम है जिन्होंने ये फाउंड किया है। तो दिस इज द ऑब्जर्वर इज द शूटकी फॉर दिस डिफेक्ट, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द शूटकी डिफेक्ट। तो कंडीशंस देखेंगे आप, कंडीशंस मतलब इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल, इन विच टाइप ऑफ सॉलिड्स दिस डिफेक्ट विल फॉर्म, कौन से सॉलिड में ये शूटकी डिफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो फर्स्ट कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ स्पीयर्स टचेस टू दैट स्पीयर। एक स्पीयर जैसे कि एक Na प्लस इन NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं जो खाते हैं हम, उसी NaCl में एक Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस। तो उस Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। सिमिलरली 1Cl माइनस इज सराउंडेड बाय 6Na प्लस, सराउंडेड मींस डायरेक्टली टचेस। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी स्पीयर्स, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचेस टू दैट द पर्टिकुलर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई फॉर द शूटकी डिफेक्ट। तो किस प्रकार के सॉलिड में शूटकी डिफेक्ट होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका हाई होगा। अब आपने फिल्मों में देखा है, सब देखते हैं फिल्म, तो आपने भी फिल्मों में देखा है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे कहाँ गुम हो जाते हैं, घर से गुम नहीं होते, या आपने बाहर खेल रहे हैं, अपने आंगन में खेल रहे हैं, अपने गली में खेल रहे हैं, वहां से गुम नहीं होते, वो कहाँ से गुम होते हैं, कहाँ पे दिखाई देता है आपको कि फिल्मों में ऐसे दिखाई दिया है कि घर से गुम हुआ है, वो घर से नहीं गुम होता, वो कहाँ से गुम हो जाएगा, मेले में से गुम हो जाएगा। अब मेले में क्यों गुम होता है, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, यही दिखाया जाता है ना आपको कि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, तो भीड़ ज्यादा होगी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, तो जितनी भीड़ ज्यादा उतना खोने के चांसेस ज्यादा। तो हमारे घर वाले भी जब छोटे थे हम, तो घर वाले भी बोलते हैं ना कि हाथ को पकड़ के रखो, अगर हाथ छूट गया तो तुम गुम हो जाओगे, मेले में कहते, घर में कोई नहीं भाई, घर में कोई नहीं कहता कि आप हाथ को पकड़ के रखो और तुम घर के घर में ही गुम हो जाओगे, ऐसा कोई कहता है क्या, नहीं कहता है, क्योंकि घर में क्या होता है, घर में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है ना, भीड़ कम है, अपना ही घर है,
जब बाहर जाएंगे तब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, मतलब भीड़ बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है मतलब सराउंडिंग पीपल बढ़ते हैं, तो सराउंडिंग पीपल बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो मिसिंग चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो शोटकी डिफेक्ट में, शोटकी डिफेक्ट किस प्रकार के सॉलिड में है? होता है तो जिस सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उसमें शोटकी डिफेक्ट होता है। ऐसे नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा ही होगा तभी ही डिफेक्ट होगा, तो दूसरे प्रकार का डिफेक्ट जो होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा की जरूरत नहीं। अब इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा की जरूरत क्यों है? क्योंकि जितने भी कैटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे, और दोनों भी मिस हो रहे मतलब वैकेंसी तैयार हो रही, गायब हो रहे, उसी क्रिस्टल को छोड़ ही रहे हो, मतलब मेले को छोड़ रहे, गायब हो रहे मेले को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। अब दूसरा जो कंडीशन है फॉर दी शूट की डिफेक्ट, कौन से सॉलिड में शूट की डिफेक्ट होगा, तो किस प्रकार के सॉलिड में शूट की डिफेक्ट होगा, तो दूसरी कंडीशन है, आप ध्यान से देखो कि मिस क्या हो रहा है, कैटायन मिस हो रहा है, एनायन भी मिस हो रहा है, दोनों भी मिस हो रहे हैं, ठीक है। जितने कैटायंस मिस हो रहे हैं उतने ही एनायंस मिस हो रहे हैं, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री को मेंटेन करना है, रेशो को मेंटेन करना है, तो जितने कैटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस मिस होंगे। अब उसी मेले में जाके ढूंढेंगे अपने इस कंडीशन का जवाब, तो उसी मेले में जाएंगे। तो ऐसे कभी देखा है या हो सकता है कि एक बड़ा आदमी मिस हुआ है और एक छोटा बच्चा मिस हुआ है, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा। ऐसे ये पापा अपने बच्चे को साथ लेके गए मेले में और बच्चा भी मिस हुआ और पापा भी मिस हुए, ऐसे होता है? नहीं होता है। हाँ ये हो सकता है कि उस पापा के साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे गए और दोनों की दोनों बच्चे, दोनों भी बच्चे मिस हो गए और फिर बड़े हो गए और फिर मिल गए, यही दिखाते हैं ना। तो क्या होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए इस डिफेक्ट के लिए, कैटायन की और एनायन की भी साइज नियरली एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होगी, नियरली सेम होनी चाहिए, मतलब दो साल का बच्चा या पांच साल का बच्चा, सात साल का बच्चा, इस तरह से होना चाहिए डिफरेंस। तो सेकंड कंडीशन क्या है फॉर द शूट की डिफेक्ट, साइज, साइज ऑफ आयंस, कैटायन हो आयन हो, शुड बी क्या होनी चाहिए, शुड बी सिमिलर, दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, सिमिलर, तभी तो दोनों भी मिस होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो मिसिंग एक का ही होगा। तो यहां पे दोनों भी मिस हो रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की साइज नियरली सेम होनी चाहिए, मतलब कैटायंस और एनायंस दोनों के भी साइज नियरली सेम होनी चाहिए। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स है NaCl, KCl, KBr, सीसीएम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये एग्जाम्पल्स है, सिल्वर ब्रोमाइड को आपको अलग से ध्यान में रखना है, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्यों है ये अभी पता चलेगा आपको, जब सेकंड डिफेक्ट देखेंगे तब पता चलेगा कि AgBr को हमने स्टार क्यों लगाया है यहाँ पे। तो इनकी जो साइज है कैटायन की Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Br माइनस, Cs प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस, नियरली सेम है, तो इसीलिए ये शूट की डिफेक्ट दिखा सकते हैं। तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई एंड साइज ऑफ आयंस दैट इज द कैटायंस एंड एनायंस शुड बी सिमिलर। तो अब हम देखेंगे शूट की डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब व्हाट द इफेक्ट ऑन दैट सॉलिड इज ड्यू टू द शूट की डिफेक्ट, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट। फिर से एक बार इस पिक्चर को देखो, इसको कहेंगे शूट की डिफेक्ट, जिसमें आयंस का मिसिंग हुआ है, कैटायंस जितने मिस हुए हैं उतने ही एनायंस मिस हो गए यहाँ पे। तो आपको बताना है डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू द शूट की डिफेक्ट, व्हाट द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ड्यू टू द शूट की डिफेक्ट, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो बता सकते हैं आप कि जितने कैटायंस मिस है उतने ही एनायंस मिस है, मतलब मिसिंग है, कॉमन क्या है, मिसिंग है, मतलब वैकेंसी है, तो वैकेंसी होगी तो हमें पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, जितनी जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा,
डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही पे लिख देते हैं, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम ज्यादा उतनी डेंसिटी कम। तो जब आइडियल क्रिस्टल था तब ही वॉल्यूम उतना ही था, जब आइडियल क्रिस्टल का शूट की डिफेक्ट हुआ तब भी वॉल्यूम उतना ही है, तो वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम को यहां से हटाएंगे, कॉन्स्टेंट है तो इसके बारे में क्या सोचना है, तो इसको हटाएंगे, जो अप डाउन होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो मास क्या हो रहा है यहां पे, मास क्या हुआ, मिसिंग हुआ आयंस, मतलब मास लोअर्स, मास डिक्रीजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयंस ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस। तो मास होगा कम, अब मास होगा कम तो डेंसिटी भी होगी कम। तो क्या कहेंगे, इन शूट की डिफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज, इन शूट की डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। तो डेंसिटी क्या हुआ, हो गई डेंसिटी डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट किस बारे में सोचेंगे, सेकंड पॉइंट में एंट्रोपी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंट्रोपी। अब आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि आयंस मिस है, मतलब वैकेंसी है। तो एंट्रोपी मतलब क्या, रैंडमनेस, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। अब आयंस मिस है, वहां पे वैकेंसी है, तो स्पेस अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट। जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट की ही कैपेसिटी है उस क्लास की, तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट क्लोज होगी, मूवमेंट कम होगी। अब उसमें से 10 स्टूडेंट्स को निकाला बाहर, अब 40 कैपेसिटी वाला क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वहां पे स्पेस अवेलेबल है घूमने के लिए, वहां पे स्पेस है, तो वहां पे रैंडमनेस मूवमेंट बढ़ेगी अपने आप, क्योंकि स्पेस अवेलेबल है। तो जैसे ही शूट की डिफेक्ट होता है, जैसे ही वैकेंसी होती है, वैसे ही स्पेस अवेलेबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन। आयंस के मूवमेंट के लिए, पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल होगा, क्योंकि कुछ आयंस गायब है, वहां पे वैकेंसी है, वहां पे स्पेस अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट, फॉर द रैंडमनेस। तो एंट्रोपी क्या होगी, उसी को कहेंगे एंट्रोपी, रैंडमनेस को, मूवमेंट को एंट्रोपी कहेंगे। तो एंट्रोपी क्या होगी, जैसे शूट की इफेक्ट बढ़ेगा, शूट की इफेक्ट तैयार होगा, वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे हम, इन शूट की डिफेक्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्पेस इंक्रीजेस, एम्प्टी स्पेस इंक्रीजेस ड्यू टू दैट रैंडमनेस इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस मींस द एंट्रोपी इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट है, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है लैटिस एनर्जी। हमने पढ़ा है लैटिस एनर्जी, 11th क्लास में पढ़ा है, इसी भी चैप्टर में पढ़ा है हमने लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी मतलब क्या, एक मोल कंपाउंड, एक मोल सॉलिड जब तैयार होता है अपने आयन से, when one mole solid, ionic solid is formed by combination of their ions, whatever the energy released, that is called as the lattice energy। उसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा क्या है, अब एक ionic solid तैयार हुआ है, अब ionic solid को हमें क्या करना है, ions में separate करना है, जैसे एक mole NaCl तैयार हुआ, अब हमें उल्टा करना है, क्या करना है, NaCl को उल्टा नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, Na प्लस को Cl माइनस को तोड़ देना है, अलग करना है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस एक मोल में, तो एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस को अलग करना है, तो उसको हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि NaCl आयनिक सॉलिड इज स्टेबल वन। So energy is required to separate the one mole of ionic solid into their ions. That energy is called as lattice energy. उसको हम lattice energy कहेंगे। जितनी energy जब ionic solid तैयार होगा उसके ion से, तो जितनी energy release होगी उतनी ही energy हमें उसको separate करने के लिए supply करनी होगी। सिर्फ sign का change है, plus minus। जब रिलीज होगी तब माइनस, जब सप्लाई करनी पड़ेगी तब प्लस, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम देयर आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, एज वेल एज फॉर द सेपर एनर्जी सप्लाई, एनर्जी रिक्वायर्ड
फॉर द सेपरेशन ऑफ आयर्स फ्रॉम द वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी, उसको भी हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो हमें यह देखना नहीं है लैटिस एनर्जी क्या है, पढ़ा है हमने लैटिस एनर्जी, सिर्फ मैंने रिवाइज किया उसको। हमें यह देखना है कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ द शूट की डिफेक्ट ऑन द लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा शूट की डिफेक्ट का। तो डिफेक्ट है, एम्प्टी स्पेस है, मतलब आयन सेपरेट करने के लिए एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्पेस अवेलेबल है, जैसे स्पेस मिलता है ना, दीवार है बड़ी सी, तो एक दीवार को भेदने के लिए, एक दीवार को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। अब उसी दीवार में से कुछ ईंटें निकाल दिए जाए, कुछ ईंटें निकाल दिया मतलब वहां पे स्पेस तैयार हुआ, या उसी दीवार में दरार आ गई, तो उस दरार आ गई मतलब एम्प्टी स्पेस तैयार हुआ उस दीवार में, उस वाल में, तो अब एनर्जी कम लगेगी उसको तोड़ने के लिए। लैटिस एनर्जी क्या होगी, जैसे ही शूट की डिफेक्ट होगा वैकेंसी होगी, एम्प्टी स्पेस तैयार होगा, और जैसे ही एम्प्टी स्पेस तैयार होगा वैसे ही उसको लैटिस एनर्जी कम लगेगी उसको तोड़ने के लिए। तो लैटिस एनर्जी क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी हो जाएगी कम। तो एज अ शूट की डिफेक्ट हैपन्स क्रिएट्स इन द सॉलिड, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। और फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट की डिफेक्ट, शूट की डिफेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है। तो जैसे ही शूट की डिफेक्ट होगा मतलब वैकेंसी होगी, मतलब एम्प्टी स्पेस होगा, तो वैसे ही फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस स्पेस अवेलेबल होगी। तो जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी, जैसे डिफेक्ट बढ़ेगा वैसे स्पेस अवेलेबल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे ही स्पेस अवेलेबिलिटी बढ़ेगी मूवमेंट ऑफ दैट आयंस इंक्रीजेस, सो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो ड्यू टू द शूट की डिफेक्ट स्पेस अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। सो कंक्लूजन इज दैट डेंसिटी डिक्रीजेस बिकॉज मास डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस बिकॉज एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल एंड रैंडमनेस ऑफ आयंस इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि एम्प्टी स्पेस अवेलेबल एंड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ आयंस एनर्जी रिक्वायर्ड लोअर ड्यू टू दैट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज देर इज एम्प्टी स्पेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड हेंस रैंडमनेस और मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस ड्यू टू दैट द कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। दिस इज अबाउट द शूटकी डिफेक्ट। किया आपने पीरियड को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू।